हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम NPSL मद्रास साइट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। तो NPSL मद्रास साइट द्वारा एक कोरिगेंडम जारी किया गया है, ये किस संदर्भ में है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम चेंगलपट्टू, और यह आपके हिंदी वर्जन है और यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन भी साथ में दिया गया है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश वर्जन को चेक करने वाले हैं। तो कोरिगेंडम 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 मैप्स HRM 2023, जो आपके 2023 के अंदर एडवर्टाइजमेंट आया था जिसका नंबर था 03, उसी के अंदर आपके कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके लिए ये कोरिगेंडम जारी किया गया है। विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पैरा 1.0 डिसिप्लिन ट्रेड एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट टेबल सेल बी रीड आज फॉलो। तो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी इस प्रकार रहेगी। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट भी इंक्रीज हुई हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट भी आपको डिवाइड करके जारी की गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं STTM केट सेकंड, प्लांट ऑपरेटर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8, फिटर 8, इंस्ट्रूमेशन 6, इलेक्ट्रिशियन 5, प्लम्बर 2, वेल्डर 1 और कारपेंटर 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 31। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी पोस्ट थी STSA केट 1 सेफ्टी सुपरवाइज़र असिस्टेंट ग्रेड 1, HR फाइनेंस एंड अकाउंट एंड C&MM, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो अदर प्रोविज़न इस एडवर्टाइजमेंट में जारी किए गए थे पहले, वो सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। और अकॉर्डिंग टू टेबल यहाँ पर टोटल वैकेंसी फॉर PWD इसमें चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 वैकेंसी आर रिज़र्व फॉर PWDs। तो यहाँ पर PWD के लिए 6 वैकेंसी को रिज़र्व किया गया है। और यहाँ पर जो PWD की कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी यहाँ पे दी गई है और यहाँ पर करंट और बैकलॉग सारी वैकेंसी दी गई हैं। प्लीज़ विज़िट आवर वेबसाइट एट www.npsl.nic.in एंड www.npslcareer.co.in फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू डिसिप्लिनमेंट कैटेगरी सी फॉर STTM प्लांट ऑपरेटर एंड डिसिप्लिनमेंट कैटेगरी डी एंड ई फॉर STTM इलेक्ट्रिशियन आज पर पैरा 2.0 रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद PWD पैच मार्क डिसबिलिटीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर एंड मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन मे डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट फ्रॉम आवर वेबसाइट मेंशन अबोव एंड सबमिट ड्यूली सिग्न हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सो आज रिच मैनेजर HRM मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम ऑन और बिफोर 3 जून 2024। PWD कैंडिडेट अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे ये तमिल वर्जन दिया गया है और उसी के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है। आपको इस फॉर्मेट को प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद आपको इसको पेन से भरना है और उसके बाद आपको वहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है उस पर 3 जून से पहले आपको फॉर्म सेंड करना होगा। तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल फिलअप करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपकाना होगा और उसके बाद आपकी जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है, आप इन दोनों में से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपका नाम इन कैपिटल
अदर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आज ऑन 5 जनवरी 2024, और यदि आप छूट प्राप्त किए हैं तो हाँ और ना नो। उसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपका जो जेंडर है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यानी राइट करना है। उसके बाद आपके मेटेरियल स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस है। उसके बाद आपका रिलीजन, कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है उस पर आपको राइट करना है। और आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इसमें हाँ करना होगा। और आपके जो डिसेबिलिटी है उसका टाइप क्या है, उसका परसेंट क्या है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। और यदि आप एनपीसीएल एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। और यदि आप संघ राज्य क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ पर आपको कॉलम दिए गए हैं और उसी के जो यहाँ पर अकॉर्डिंग आपको अपनी जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपकी कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको यहाँ पर, एक्सपीरियंस है तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और उसके अलावा अदर डिटेल्स के अंदर आपको अपना आधार कार्ड नंबर, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसकी डिटेल, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर हाइट और वेट आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटर की साक्षरता का स्तर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और उसके अलावा जो भी पॉइंट आप पर लागू होते हैं उस पर आपको यस नो करना है, उसकी डिटेल आपको देनी है। और यदि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। और यदि आपके कोई रिलेटिव एनपीसीएल या बीडीई में जॉब करते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर। उसके बाद आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम, और यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्टर ईमेल आईडी। और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर आपको डेट और प्लेस लिखना है। और उसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, चेक लिस्ट। आपको इसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। आप जो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उसके यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। और आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसका यस करके यहाँ पर आपके डेट और प्लेस और आपके साइन करने होंगे। यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे उनकी जेरोक्स आपको इसके साथ में अटैच करनी होगी और उस पर आपके साइन भी करने होंगे। और इन सब को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। और स्पीड पोस्ट आपका 3 जून 2024 तक पहुँच जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं, जो पात्रता रखते हैं, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ में जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था वो कैंडिडेट यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि उनके ट्रेड के अंदर कितनी पोस्ट हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले भी आपके एक संशोधन आया था, ये आपके सेकेंड है। जब भी आपकी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। इसलिए जिन भी कैंडिडेट ने मद्रास साइड में अप्लाई किया था वो एग्ज़ाम अपडेट इन्फॉर्मेशन और अन्य किसी प्रकार की हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।